सभी को हैप्पी दिवाली। मैं बना रहा हूँ रंगोली, अभी ये मोर बना रहा हूँ मैं, और इसके बाद मैं सारी डेकोरेशन। तो गाइस मैं कर रहा हूँ दिल घर की साफ सफाई, क्योंकि दिवाली है और दिवाला तो निकल ही रहा बट शरीर से भी निकल रहा है, क्या करें, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आया हूँ लाजपत नगर शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने आज बहुत सारे घर के डेकोरेशन के लिए झालर वगैरह खरीदे हैं और आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीदे हैं। तो दिखा दो आपको, इतने अच्छे डेकोरेशन के सामान हैं मार्केट में। अंधाधुंध भीड़, शॉपिंग कर रहा हूँ, आज ही दिवाली है और आज शाम को डेकोरेशन करूँगा घर पे। अंधाधुंध मार्केट में भीड़ है, ये देखो गाइस अंधाधुंध। यहाँ से सिंधी ड्राई फ्रूट्स से मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट खरीदे एक बार, बहुत मज़ा आ गया था। ये देखो बहुत सारी वैरायटी हैं, आप घर पे इसको सजावट के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो इनसे नहीं लिया, मैंने सस्ते में निपटाया है। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने रोड से ख़रीदे हैं, ऐसे लोगों से ख़रीदी है जो रोड पे खड़े हैं। शॉप्स वगैरह से तो लोग ले ही लेते हैं यार, इन लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाती है, और मैं कभी इनसे वो नहीं करता, बार्गेनिंग नहीं करता। अगर ये 200 रुपये बोल रहे हैं तो 200 रुपये का ही लेता हूँ मैं, बार्गेनिंग इसलिए नहीं करता यार, ये लोग भी कमाने खाने बैठे हैं। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे समझ आता है यार कितनी दिक्कतें होती हैं। मार्केट में और बहुत अच्छी डेकोरेशंस, और ये देखो यहाँ से मैंने आगे उन भैया से लिया था, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज में ये हैं। और ये देखो भैया से मैंने 8-9 पेयर खरीदे हैं, ये येल्लो ऑरेंज वाले और येल्लो वाले बहुत सारे। गाइस हमने 3 पेयर मैंने और लिए हैं ये वाले, तो भैया ने सही सही लगा लिया रेट। मैं रंगोली बनाता हूँ हर साल, तो मैं यहाँ से भैया से कलर ले रहा हूँ, और ये 100 रुपये के 5 पड़ेंगे मुझे, तो मैं अलग अलग कलर में ले रहा हूँ। तो देखते हैं कैसी रंगोली बनती है इस बार इससे। तो मैं ले लिए कलर, बहुत सारे कलर लिए हैं, और इसमें मैंने अलग से ये पॉली बैग वाले भी लिए हैं, ये भी लिए हैं। इतना महान हूँ कि मैं दिवाली के दिन ही शॉपिंग करने आया हूँ, इतनी भीड़ है और इतना सारा सामान ले लिया, और भगा भगा जा रहा हूँ घर, और बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि अभी अभी साफ़ सफाई करी है मैंने थोड़ी सी घर की, और अब घर जाके पहले मैं साफ़ सफाई करके अभी ये सारा डेकोरेशन करूँगा, फिर रंगोली बनाऊँगा, फिर तैयार होऊँगा, घर वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मैं पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, बाकी अभी भट्टे लगे रहेंगे लोग 12 बजे तक, ठीक है दिवाली है। बट मैं सिंधी शॉप के बगल से जब भी आप गुजरोगे, इतनी अच्छी मसालों की और इतनी ड्राई फ्रूट्स की फ्रेगरेंस आएगी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये इसमें मैंने बहुत बार क्रैनबेरी और ब्लूबेरी खरीदता हूँ यहाँ से मैं। शॉप में हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा, चाहे दिवाली हो या होली। भाई शॉप्स की डेकोरेशन देखो, एक नंबर डेकोरेशन कर रखी है यार हर जगह यहाँ पे, क्या मस्त लग रहा है ना ये सब, है ना मस्त एकदम। रात में आओ कभी, मज़ा आ जाता है इसको देखने में। गई थी भूख तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे डोसा क्राफ्ट में, ये डोलमा आंटी बैक साइड में जो है, इनके बगल में ही है जस्ट, और एकदम टैम्पटिंग डोसा बनाते हैं। अभी एक बना रहे थे तो मेरे को देख के मन ललचा गया, तो मैं खाने आ गया। इनके तो बोला मैंने पनीर मसाला डोसा तो अवेलेबल अभी तो है नहीं, बट ये सिंपल मसाला डोसा बना रहे हैं मेरे लिए, तो देखते हैं टेस्ट करते हैं। तो गाइस डोसा बनते हुए भैया सिंगर भी हैं, गाने के साथ बनाते बनाते गाना भी गाते हैं। टेस्ट तो अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है, आगे कभी ट्राई करो यहाँ पे। जैसे आकर में एंटर करोगे डॉलमंडी के जस्ट बगल में ही है, अच्छा टेस्ट है गाइस। तो अब मैं निकल रहा हूँ घर, क्योंकि ये मैं हो गया हूँ बहुत लेट, 2 यहीं बच गए, बहुत सारा सामान है, अब मेरे को ऑटो पे ढूंढना पड़ेगा। तो शाम को देखते हैं क्या क्या करता हूँ मैं। तो फाइनली मिल गया मुझे ऑटो, और बहुत मशक्कत के बाद मेरे को ऑटो मिला, बहुत दूर जाना पड़ा, ये रहा भरा हुआ पूरा सामान, ये ऑटो वाले भैया, और ये रहे हम जा रहे हैं घर। लगा लिया है मैंने सारे के सारे झालर पालर, ये हमारा चमचमाता कूलर, और ये मैंने ऊपर से आज ऐसे लगा के लड़ी लगाई है, और ये पूरे गैलरी पे लगा रखी हैं। ये बस थोड़ा सा काम कर रहा है, इसने बस प्लग लगाने काम किया और कुछ काम का नहीं है। ये देखो ये लेके आया था मैं एक ये और एक ये, अच्छा लग रहा है ना। मैं बना रहा हूँ रंगोली, अभी ये मोर बना रहा हूँ मैं, और इसके बाद मैं सारी डेकोरेशन करूँगा। ये आधे कलर ख़त्म हो गए, और ये मेरी मम्मी है, देख रही हैं घूर घूर के, कह रही हैं कि आती है तेरे को बनानी है। मैंने कहा हर साल मैं बनाता हूँ, ये थैला पकड़ के बैठी हैं। को बनाने में आधी हालत ख़राब हो गई, हाथों की ये हालत है, ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी ये बनी नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। फाइनली मैंने बना ली है, अब इसके इर्द गिर्द रखूँगा मैं सारे दिए वगैरह, और रंगोली सही तो बनी है यार फिलहाल, मैं जैसे मैं इसे बन पाई मैंने बनाई है।
पूजा पाठ की तैयारी है। अभी यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं और वो रही मेरी मम्मी दूसरे मंदिर में, मतलब वो, और मेरे दादा दादी की फ़ोटो, मेरी पूर दादी की फ़ोटो है, मेरे दादाजी की फ़ोटो है, और ये मेरा नालायक भाई लेटा हुआ है। अभी पूजा पाठ करके जाऊंगा मैं जिम में दिया जलाने के लिए, और ये लगे पड़े हैं मेरे मम्मी पापा दोनों। और मैं अभी कुर्ता लेने वाला था, बट यही सीन हो गया कि एंड टाइम में कुर्ता मिला नहीं और मैं गया नहीं लेने के लिए, क्योंकि घर का काम ही इतना था, तो क्या करें, तो यही पहन रहे हैं। क्या हो गया, दिवाली है। देखो आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन दाता, मैया थुक संपत्ति दाता। तो गाइस मैंने जला दिया दिया, दो इधर जले हैं, दो इधर जले हैं, और ये मेरा अतरंगी भैया। सभी को हैप्पी दिवाली, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक करते रहो यार, ऐसे ही कमेंट करते रहा करो।